प्रेगनेंसी के दौरान, जब से प्रेगनेंसी होती है और तब से लेके और लास्ट तक जब तक प्रेगनेंसी डिलीवर नहीं हो जाती है, उस पीरियड के बीच में हमें क्या क्या चीज़ें लगातार लेती रहनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसी पॉइंट टू पॉइंट और महीना टू महीना, मंथ टू मंथ आज क्लियरेशन कर देंगे इन चीज़ों का कि प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक आपको क्या खाना चाहिए और कौन सी दवाई खानी चाहिए, आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांसिंग इंडिया चैनल। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सबसे पहली पॉइंट की बात करते हैं तो यदि आपकी प्रेगनेंसी है, यदि आपने किट से चेक किया है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है उसके द्वारा यूरिन से टेस्ट करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नज़र आती है, उसमें 2 लकीर हैं, तो आप समझ लीजिए प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव है। अब उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों, उसमें आपको ये करना है, उसके बाद यदि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो आपको पहले ही उसी दिन से हाइड्रोक्सी प्रोजिस्ट्रॉन इंजेक्शन, जो ये आता है हाइड्रोक्सी प्रोजिस्ट्रॉन कैप्रेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को 3 महीने तक लगवाना चाहिए, 1 हफ्ते में 1 बार, मतलब 7 दिन में 1 बार एक इंजेक्शन लगता है। इस इंजेक्शन को इंट्रामास्कुलरली लगाया जाता है, इसलिए ये काम क्या करता है मैं ये भी बताने वाला हूँ। इस इंजेक्शन को लगाने का तरीका ये है कि एक तो इंट्रामास्कुलर लगता है, दूसरी पाइप की है कि ये जो फ़ायदा करेगा, जैसे आपकी परेशानी है कोई भी, मान लीजिए आपके बार बार प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, या बार बार आपको परेशानियाँ हो जाती हैं, या बार बार आपकी अबॉर्शन होने के चांस होते हैं, या बार बार आपको ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं, तो ये जो इंजेक्शन है ये बच्चादानी को मजबूत करता है, साथ ही साथ में आपको बहुत फ़ायदेमंद भी है, तो इसलिए इस इंजेक्शन को लगातार 3 महीने तक 1 हफ्ते में 1 बार लगवाते रहना चाहिए। इस पीरियड में आपको दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की बात आती है, जैसे कि जिन महिलाओं को उल्टी की शिकायत होती है, पेट में गैस की शिकायत होती है, चक्कर जैसे लगते हैं, कमजोरी जैसी लगती है, 3 महीने के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप उल्टी के लिए दोस्तों ओंडस्ट्रॉन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस के लिए दोस्तों पेंटाप्राजोल या रेबीप्राजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कमजोरी के लिए A2Z Gold या फिर इसके अन्य जो मल्टीविटामिन्स कैप्सूल आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है 3 महीने के बाद कि हमें क्या खाना चाहिए। 3 महीने के बाद दोस्तों सबसे पहला पॉइंट बनता है तो कैल्शियम का। कैल्शियम हमारी बॉडी को बहुत अहम रोल करती है, ये कोरल कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट्स हैं, इनका लगातार 3 महीने से लेके आखिर के जो बचे हुए महीने हैं 9 महीने तक इसे प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाता है, 1 दिन में 1 बार। इस कोरल कैल्शियम से दोस्तों ये होता है कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी से होती है और आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और आपकी जो बच्चे का वजन है वो बहुत भरपूर मात्रा में अच्छा गुड बैड हेल्थ होता है। साथ ही साथ में आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये दोस्तों सबसे बेस्ट क्वालिटी की आती है सॉफ्ट्रॉन गोल्ड। इसके अंदर आपको दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि ये चीज़ मिलेगी, आपके अंदर विटामिन सी, विटामिन B12 और फोलिक एसिड ये मिलता है, और इसके अंदर सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये कि इस आयरन टैबलेट से आपको उल्टी, बेचैनी, घबराहट या नोजिया जैसी शिकायत नहीं होती है। ये जो दवाइयाँ आपकी लगातार 9 महीने तक चलती हैं, इन दवाइयों को आप 1 दिन में 1 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आप इन दवाइयों को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको 9 महीने तक ब्लड की कमी नहीं होगी, और ब्लड की भरपूर मात्रा होना तो समझो आपकी बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी तरह से लाभप्रद होता है। इसलिए आपको दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपकी जो 0 से 3 महीने तक की प्रेगनेंसी है उसमें आप हाइड्रोप्रोजिस्टेरोन इंजेक्शन, कैप्रेट इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये है। और इसके अलावा और दोस्तों ये है कि आप इसके अलावा ओंडम टैबलेट, बोमिकाइन टैबलेट और ओमिप्राजोल टैबलेट कैप्सूल का इस्तेमाल करके आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसके अलावा प्रोटीन पाउडर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो दोस्तों ये है, इसे आप अपनी बेबी की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए इसे आप कर सकते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट जो है प्रोटीन पाउडर विद मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड DHA इसके में भरपूर मिलता है, तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है 3 महीने के बाद। तो दोस्तों आपको इससे कोई भी परेशानी है संबंधित 0 से 9 महीने तक के बीच की, तो आप मेरी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो पूछ के सकते हैं मुझे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर, जिसकी ID है @glancinginDIA। दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, जिससे क्या है आपका कोई भी कीमती समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों आपका कोई भी इससे संबंधित परेशानियां हैं या कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। एक पॉइंट ये और आता है दोस्तों कि अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, ये मैं आपको अगली वीडियो में बनाकर दूंगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से महीने में अल्ट्रासाउंड कौन सा कराना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।